इधर का जो हिस्सा है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए किस तरीके से पूरा रिंग रोड बन चुका है इधर, और ब्रिज बनना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स हर बार की तरह इस बार भी एक नया अपडेट आप सभी के सामने आ गया, वो है रिंग रोड फेज 3 का। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंड्स रिंग रोड का जो वर्क है वो कितना कंप्लीट हुआ है। अभी फिलहाल में ही गंगा जी का पानी जो है वो 8 सेंटीमीटर के अंतर्गत, मतलब पर आवर के हिसाब से वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें देखना है कि कितना जो रिंग रोड का काम है बाढ़ के कारण रुका हुआ है या फिर आगे बढ़ रहा है, ताज़ा इसके वीडियो में देखेंगे। चले चलते हैं आगे, दिखाते हैं हम नज़ारा। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चले चलते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिसपे मोटे मोटे जो पिलर है बड़े बड़े वो लाए गए थे। वो हटाने का काम होता है और ले जाने का भी इन्हीं का काम होता है। तो खेत में अभी चल रही है इधर रोपनी, जो रिंग रोड के साइड देख सकते हैं। और इधर देखिए पूरी तरीके से जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये गाड़ी अभी तक खड़ी है और यहाँ पे मिट्टी को खोदने का काम, साथ ही साथ रोड बनाने का काम जारी है। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने में। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को नज़ारा। ऊपर देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से जो काम है वो काफ़ी गति में है। और ये वाला जो नज़ारा आप सभी देख रहे हैं ये, तो ये बनने के बाद ही, यानी पूरी तरीके से जब रोड कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा, उसके ऊपर ही गिट्टी की परत बिछाई जाएगी, उसके बाद ये जो ब्रिज है इससे मिलाया जाएगा। ना देखिए इधर का काम तो कंप्लीट हो गया है लगभग, और इस साइड का ही काम बाकी है जो कि आपके नज़रों के सामने है। इधर रोपनी चल रही है क्या पूरा, मेरे पीछे देखिए इधर भी काम काफ़ी तेज़ हुआ है। ये मिट्टी ऐसी होती है फ्रेंड्स, धंसती नहीं है, लेकिन काफ़ी जो पानी होता है तो इसके वजह से हो सकता है कि हो जाए, धस जाए। ओके, कितना काम हुआ इधर का, आइए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ का जो काम है वो बढ़ रहा है रिंग रोड का। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है वो कोशिश किया जा रहा है कि एक लेन ही तैयार हो जाए। और इधर देखिए पूरा, आगे चलते हैं दिखाते हैं आप सभी को थोड़ा और डीपली, और पूरा प्रोसेस के बारे में बताते हैं। आप सभी को क्या पता है कि पानी में जो ब्रिज है, यानी पानी है और ढलाई का काम जो है, पिलर उठाने का काम, लगाने का काम कैसे होता है? अगर नहीं पता है तो हम एक वीडियो लाएंगे और दिखाएंगे आप सभी को कि कैसे पानी में जो ब्रिज है, पिलर है, वो खड़ा करा जाता है, और किस तरीके से जो ब्रिज का पूरा जो पिलर है वो कैसे टिका होता है, पानी तेज़ बहाव में क्यों नहीं बहता है। तो इसके बारे में हम जानकारी आप सभी को ज़रूर देंगे, लेकिन उससे पहले ये सब नज़ारा देख लीजिए। कितनी कोशिशों के बाद एक 5 साल में, 10 साल में तैयार होता है जो ब्रिज होता है उसका काम और उसकी चीज़ें। तो ये देखिए मेरे पीछे तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और इधर का जो हिस्सा दिखाई दे पड़ रहा है आप सभी को ये वाला, ये फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा अभी बाकी है, बहुत सारा बाकी है। ये देखिए पूरा इस तरीके से जो काम है आगे बढ़ रहा है। इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, आइए बैक कैमरा दिखाते हैं आप सभी को, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे से दिखेगा भी। चलिए ये फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का पूरा जत्था है, 4 से 5 बुलडोज़र वगैरह हैं और भी कई तरह के मशीनें हैं जो कि अपना काम बहुत ही बखूबी कर रही हैं। और इधर का जो हिस्सा है देखिए कैसे रोड को पूरा
असेंबलर किया जा रहा है, अच्छे से व्यवस्थित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये देखिए पूरा हिस्सा, और ये वाली जो मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं राख है, पूरा मिक्सचर वाली है, और इसी के बलबूते पूरा रुका हुआ है। एक्चुअली में ये क्या होती हैं कि वेस्ट चीज़ें होती हैं, उसी को गवर्नमेंट जो है वो अपने काम में ले रही है। कहीं ना कहीं फैक्ट्री वगैरह में ये डस्ट होता है एक तरह से, और ये बेकार पड़ी रहती हैं, तो इसको कहीं फेंकने की वजह ये ब्रिज में इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्पंज वगैरह भी करता है ये काफ़ी। यानी रोड बन जाने के बाद एक कम चांस होता है जो धंसती हैं रोड, तो उसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, जिसके कारण गवर्नमेंट इसे लेके अपने वर्क में यूज कर रही है पिलर्स, और बाकी जो रोड हैं उसमें इनका यूज होता है। ये देख सकते हैं बड़े बड़े साइड साइड के डिवाइडर बनाए गए हैं, ये देखिए उठाने के लिए इसमें ये चीज़ें बनाई गई हैं कि यहाँ से उठ सके। एक्चुअली में ये भी है प्लास्टिक का फ्रेम है, और इसे डालकर बनाया गया है, और उसी के सहायता से, क्रेन की सहायता से उसे उठाया जाएगा। देखिए तो बहुत सारी जो काम है वो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए किस तरीके से कितना बना हुआ फ्रेंड्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए तीन तीन चार चार मशीनें लगी हुई हैं, और बड़ी खासियत है इन मशीनों में कि ये कहीं भी कभी भी जा सकती हैं, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान क्यों ना हो, और कीचड़ हो, पानी हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो। फ्रेंड्स ये देखिए इनके जो टायर हैं चैन वाले हैं, और इन्हीं के बलबूते ये कहीं भी जा सकती हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। एक मोटर की तरह होता है, इसमें गोलियां भरी गई होती हैं, और इसी के बलबूते ये कहीं भी जा आ सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मशीन है, रोलर है। ये रोलर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इन रोलरों में ही ऐसी क्षमता होती है कि रोड को एकदम से रोल करके और वो अच्छे से सिमिलर कर दे, बराबरी में ला दे, बराबर कर दे। ये देखिए जेसीबी जो उठाने काम करती है, एक जेसीबी होती है जिसे बुलडोज़र कहा जाता है, तो वो बुलडोज़र फ्रेंड्स बहुत ही काम में आते हैं, घर तोड़ने के अक्सर काम में आते हैं, जैसा कि वो सामने देख सकते हैं ये वाला। इधर भी बहुत सारा काम हुआ है फ्रेंड्स, और ऊपर का पिलर मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट ही है, तो कुछ काम है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और एक बुरी खबर है वो ये है कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये हो सकता है ये कार्य रोकना पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स बाढ़ का पानी आते ही कारीगर फंस जाते हैं, वर्कर फंस जाते हैं, और इन सभी वर्क को रोकना पड़ जाता है। लेकिन ये जो वर्क है ये ऐसा है, ऊपर का ही है, तो इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये रोका जाए। ऊपर के हैं तो फ्रेंड्स ये जो जेसीबी वगैरह है ये ऊपर मशीन की सहायता से ऊपर चढ़ाते हैं वर्कर को, और वर्कर ऊपर ही ऊपर अब काम करने लग रहे हैं। वो नीचे लगभग काम कंप्लीट है, नीचे कोई काम नहीं है, दूसरा लेन है तो वो बाद में बनेगा, अभी फ़िलहाल जो है वो आप सभी के सामने है। देखिए किस तरीके से जो पिलर है ये चार चार रखे, टोटल 24 पिलर हैं इधर ऊपर वाले, जिसे गाटर कहा जाता है। नीचे वाले पिलर जो हैं ये लगभग आपको 10 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस तरफ रखे गए हैं, और पानी में लगभग 18 होंगे मेरे हिसाब से, काउंट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे पिलरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी दूसरा जो वर्क है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं और नीचे से दिखाते हैं आप सभी को थोड़ा नज़ारा। अभी हम ऊपर हैं, इधर रोड बन रहा है, देखिए इधर ज़मीन के दाम जो हैं वो भी काफ़ी हाई हो गए हैं, हाई रेटेड हो गए हैं। लगभग पहले 4 से 5 लाख थे, अब आप सभी को इसी ज़मीन का दाम जो है 15-20 लाख आराम से देखने को मिल जाएगा।
इधर यानी रोड के साइड लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आगे चलिए, चलते हैं, दिखाते हैं थोड़ा और आप सभी को नज़ारे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ऐसे ही करते रहें और वीडियो भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चलते आगे। तो गाइस हम चल रहे हैं नीचे और आप सभी को पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। ये देखिए पूरा ढार बन चुका है और साइड साइड में जो है वो ख़तरनाक चीज़ें हैं। किनारे से ही चलेंगे हम, ये इधर से देखिए पूरा जो आम है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी वर्करों ने मेहनत करी है फ्रेंड्स और इसी के बलबूते ये पूरा ब्रिज टिका हुआ है। बिहार में तो कई बार ये गिर चुका है लेकिन यहाँ देखते हैं कैसे कहाँ तक चल रहा है, का जो पोजीशन है कहाँ तक काम कर रहा है। देखिए इधर वर्कर लगे हुए, इधर का काम जो है अभी अनकम्प्लीटेड है। देखिए पूरा इधर काम हो रहा पूरा। देखिए बड़ा वाला पिलर, चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो काम है, आगे बढ़ रहा है, कितना बना हुआ है देखिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए किस तरीके से जो आगे है बढ़ रहा है फ्रेंड्स। तो जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है आप सभी को। गंगा जी का जो पानी है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ होने के कारण यहाँ पे देखिए काम ठप है। देखिए बड़े बड़े जो नाव हैं पिलर वगैरह हैं इसी पे देखिए कैसे जाते हैं। ऐसा सब कुछ बना हुआ फ्रेंड्स पूरा। देखिए ये बड़ा सा नाव बनाया गया है, इस पर पिलर वगैरह सब कुछ आसानी से रखा जा सकता है, गटर वगैरह। देखिए देखिए आगे भी है उधर, देखिए मछली मार रहे हैं सब लोग। ऊपर खाएगा चढ़ के काम करेंगे बहुत ही ज़्यादा। सभी गाड़ियाँ रखी हुई हैं देख सकते हैं पूरा, इसी पे जो आदमी हैं वो जाते हैं ऊपर, फिर काम धीरे धीरे कंप्लीट करा जाता है। बड़ा बड़ा पिलर, कुछ पिलर नहीं बने हैं। इसी तरीके से जो गड्ढा दिखाई दे रहा है इसी तरीके से पानी में ब्रिज बनता है। सभी मशीनें जो हैं
आंखें जा रही हैं देखिए। तो यही है पूरा पिलर का जो काम है वो कैसे आगे बढ़ा है। ये देखिए बड़ी वाली गाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है, इसका काम जो है इसी के बलबूते आगे बढ़ता है। ये देखिए बहुत सारे जो मशीनें हैं, क्रेनें हैं, वो सब यहाँ पे हैं पूरा, और मज़दूर भी यहीं पे रह के 5 साल 6 साल काम कर रहे हैं। पूरा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ से घसकेंगे। और ये देखिए यहाँ पे लकड़ी लगाई गई है, और हर जगह फ्रेंड्स लकड़ी लगा हुआ है। देख रहे हैं किस तरीके से जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। पूरा बिखरा पड़ा सामान इधर उधर, इसमें गार्ड वगैरह बैठते हैं, स्टार्टर वगैरह है, यही सब कुछ मैनेज होता है, लाइट वगैरह इस जगह से। इससे ये पूरी एक्टिविटी जो है, यानी कि जो बिजली का काम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे फ्रेम वगैरह सब कुछ रखे गए हैं, इससे पूरा काम हो रहा है फ्रेंड्स। तो इधर का काम जो है अभी काफी ज्यादा दिन है, लगभग 25 आसानी से आ जाएगा। वो देखते हैं कितना दिन लगता है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में। आइए आगे चलते हैं। इसी के ऊपर जो है, यानी चैन एक तरह से राउंड बनाया गया है, देखिए इसी के ऊपर पूरा ये मशीन बड़ा सा घूमता फिरता है 360 डिग्री, पूरा मैनेज करता है। देखिए इसी का पूरा हिस्सा, इसी से जो अंदर का यानी पिलर के अंदर का मटेरियल वो निकाला जाता है फ्रेंड्स। गजब का बना हुआ है, खाना पीना रहना सब कुछ यही मैनेज हो रहा है सभी लोगों का। बड़ा वाला पिलर यहीं पे है पूरा, देखिए बड़ा का पिलर काम हो रहा है काफी तेज गति से। जबकि मशीनें हैं, अभी लोग खाना खा रहे हैं तो कोई ब्रश कर रहा है, कोई काम पे लगा हुआ, ये गजब लग रहा है। फिर चल रहे हैं ऊपर की ओर, और दिखाते हैं ऊपर से ना बना हुआ है वहाँ तक का नज़ारा। देखिए पूरा फ्रेमिंग किया गया है, 4 से 5 दिन से ऊपर हो गया फ्रेंड्स, और ये जस का तस है। अभी इसे खोला जाएगा धीरे धीरे करके कि पूरा, देखिए बहुत ही मोटे मोटे छड़ों का भी यूज किया जा रहा है। ऐसे ही बिहार में भी हुआ होगा और ढह गया पूरा। अब ये पिलर देखिए क्या होता है, जिसके ऊपर फ्रेंड्स ये गिर गया वो पक्का नहीं बचेगा। ये देखिए किस तरीके से जो काम है इसका, धीरे धीरे करके बहुत सारा कंप्लीट हुआ है, बहुत सारा होना भी है।
ऊपर चढ़ कर दिखाते हैं आप सभी को कितना वर्क हुआ है। तो फ्रेंड्स नीचे से फिर से हम ऊपर आ चुके हैं। इस साइड का जो काम है देखिए अभी बहुत सारा बाकी है, अनकम्प्लीटेड है। ये देखिए पूरा इधर का तो कुछ हिस्सा कंप्लीट भी हुआ है, इधर का एकदम से नहीं है, ये बीच का हिस्सा एकदम बाकी है। गाड़ियाँ जाएंगे तो फटाक से धस जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से जो काम है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और साइड साइड में दोनों तरफ नालियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि जो इस पे से पानी रिसे वो आराम से निकल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ज़मीन का हिस्सा जो है वो साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा छोड़ देती है और वहाँ नाली बनाती है जिसके उपरांत पानी आराम से निकल सके। ये देखिए किस तरीके से जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है। ये गाड़ियाँ देखिए अभी भी इसी तरह खड़ी हैं, इनका बहुत सारा सहयोग होता है, योगदान होता है गाटर स्पिलर को उठाने में, बहुत सारा काम होता है। मिट्टी पूरा इधर खुदाई हुआ है, देखिए साइड साइड में भी बहुत सारा काम हो चुका है। आप सभी को बता दिए चंदौली के पचफेड़वा से लेके यहाँ तक जो काम है रोड का लगभग मुझे पता है कि कंप्लीट हो गया है। आरओबी जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो अभी कहीं कहीं नहीं बना है, 2-3 बन रहा है बीच में, जो कि हम आप सभी को नज़ारा दिखाएंगे वहाँ का। लेकिन अभी फ्रेंड्स थोड़ा लेट है, अभी टाइम है उधर जाने में मुझे। फ़िलहाल ये देखिए इतना फ्रेंड्स व्यू भी नहीं आ रहा है, क्या करा जाए। कुछ फ्रेंड्स लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स इच्छा भी करता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो देखिए साइकिल से चलना पड़ रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए गाटर की गाड़ियाँ काफ़ी लंबी चौड़ी, ये रीढ़ की हड्डी इधर लग रहा है फ्रेंड्स पूरा अब पूरा। इधर का काम कंप्लीट हो चुका है, साइड साइड में ये रखा गया है जो कि धीरे धीरे करके इसे भी कंप्लीट किया जाएगा। बहुत सारा काम जो है ये देखिए काफ़ी मजबूत और अच्छा बना हुआ है जो रोड है। रंगाई पुताई सब कुछ ओके है, पूरा का पूरा बन चुका है अच्छे से। ये सब रोड कंप्लीट है, जो और काम है वो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि ब्रिज का है, आरओबी का है और जगह जगह थोड़े थोड़े रोड भी शायद बाकी हैं। उधर तो गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। ये देखिए बन तो गया है लेकिन जगह जगह अभी से गड्ढे हो रहे हैं, लग रहा है बिहार वाली दशा। ये देखिए लेकिन योगी जी हैं, योगी महाराज जी हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, नीतीश की तरह नहीं है। ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत ही तेज गति से बनाया जा रहा है। बीच का जो डिवाइडर वाला हिस्सा है उस पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये तो नॉर्मली आप सभी को पता ही होगा। दोनों साइड फ्रेंड्स ये बन चुके हैं, रंग रोगन भी हो चुका है। इनॉग्रेशन कब होता है ये देखना है। पानी है वो कैसे निकलेगा, सब कुछ बना के रेडी है, अंडरपास भी बनाए गए हैं। ये वाटर पास है, उस साइड से इस साइड पानी आसानी से निकाला जा सके। ये बड़ा सा होल टाइप है, दो ठो काफ़ी मोटा इसे ढलाई किया गया है। तो
काफ़ी अलकतरा वगैरह इसमें यूज करा गया है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जो कि आप सभी को पता ही होगा ये बन जाने से काफ़ी अच्छा हो गया है। बहुत सारा रोज़गार वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, गवर्नमेंट तो बहुत ही कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम हो रही है फ्रेंड्स। क्यों हो रही है आप सभी बताएंगे कमेंट करके। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, NHI द्वारा ये बनाया गया है। ये देखिए थोड़ा लगा जगह जगह लोगो वगैरह लगा हुआ है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये पूरा खाका जो है वो तैयार करती है, बनाती है। गाड़ियां जल्द ही फर्राटे भरेंगी यहाँ पे, भरने से स्टार्ट ही हो गई। ये देखिए पूरा हिस्सा इस तरीके से जो अंडर पास है वो बना हुआ है, मोटे मोटे पिलर, बड़े बड़े पिलर। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक वॉचिंग फ्रेंड्स, समा दे की सपोर्ट।